नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है इन पांच गलतियों से देवी शक्तियां आपको छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, काफी समय से कई साधक ध्यान मंत्र जप साधना करते हैं जिससे देवी शक्तियां उनके पास आने लगती हैं, पर कुछ गलतियों से वह वापस चली जाती हैं और उल्टा नेगेटिव ऊर्जाएं फिर आपके पास आने लगती हैं और आपके शरीर पे भी वो कब्जा कर लेती हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो आज हम जानते हैं कि क्या कारण है, वो पांच गलतियां क्या आपसे हो जाती हैं। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, ध्यान करते करते कई बार व्यक्ति ऊब जाता है, अंदर ही अंदर उसके मन में जो उसका मन है वो उसे अलग तरह से प्रेरित करता है, कुछ और ही भावनाएं और तरंगे भेजता है कि उनका नाम जप छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है और वो दोबारा फिर इस बाहरी दुनिया में भटक जाता है, खाने पीने की चीजों को इंटरेस्ट लेने लगता है, बाहर की चीजों को देखना पसंद करता है, मूवी थिएटर घूमना फिरना अय्याशी ये चीजों में दोबारा से फिर लग जाता है। ऐसी स्थिति में वो उसका जो नाम जब ध्यान साधना उतनी की होती है वो सारी खत्म सी हो जाती है, क्योंकि वो भी साधक ऐसे करता है जब वो करते करते उसको लगता है कुछ हुआ नहीं, वो बीच में ही छोड़ देता है कि इतने दिनों से इतने महीनों से इतने सालों से कर रहा हूं, कुछ हुआ नहीं, छोड़ो अब रहने दो। तो ऐसी स्थिति में वो समझ नहीं पाता कि क्या करना है, वो सब कुछ छोड़ देता है। पहले बहुत ज्यादा घंटों घंटों ध्यान करता है, लेकिन जैसे उसे कोई परिणाम उसे नहीं पता लग पाता या वो समझ नहीं पाता उन दिव्य शक्तियों के संकेतों को, फिर वो छोड़ देता है। तो ऐसे वो पांच जो गलतियां हैं जिसकी वजह से देवी शक्तियां उनके आते आते पास अनुभव होते होते वापस चली जाती हैं, तो वो जानते हैं क्या होता है। और फिर वही शक्तियां जब सकारात्मक शक्तियां आपसे दूर चली जाती हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके नजदीक आने लगती हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में दोनों शक्तियां मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो फिर नेगेटिव शक्तियां आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं और कई बार तो नेगेटिव शक्तियां इतनी हैवी हो जाती हैं कि उस व्यक्ति को भी परेशान करने लग जाती हैं। तो फिर वो दोबारा से ढूंढता है किसी फकीर, किसी बाबा, किसी और जगहों पर जाके अपने आप को कि मेरे कुछ हो गया है, लगता है ऐसा किसी ऊपरी शक्ति के कारण वो परेशान है, ऐसी चीजों पे वो विश्वास करने लगता है। तो वो गलतियां आप पहले जान ले। सबसे पहला, जब भी साधक ध्यान साधना करता है अपने पूरे हृदय से, तब वो शक्ति जरूर उसके पास आती है, लेकिन वो शक्ति जैसे आती है अभी शुरुआत ही होती है, कुछ महीने जैसे आपको करते करते ध्यान साधना होगी और आप उसमें प्रांगत हो गए तो धीरे धीरे वो शक्तियां आपके नजदीक आने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो शक्तियां नजदीक आने लगती हैं आप बीच में ही सब कुछ छोड़ देते हो। जैसे आप ध्यान साधना मंत्र जप कर रहे थे, आपको कुछ अनुभव होने शुरू हो गए थे, वाइब्रेशन को महसूस होना, शक्तियों का फील करना, आपको स्पर्श होना, प्रकाश का देखना, इस तरह से कुछ अनुभव होने लगते हैं, तो आप उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों में फिर दोबारा से सब कुछ छोड़ देते हो और फिर जीरो लेवल पे आ जाते हो। ऐसे में वो शक्तियां आते आते वापस चली जाती हैं, क्योंकि जब ये आप प्रण लेते हो तो वो पूरा प्रण होना चाहिए। आपने अगर 21 दिन का प्रण लिया है कम से कम ध्यान साधना का, 40 दिन का लिया है, 90 दिन का लिया है, तो उस संकल्प को आपको पूरा करना होता है, उतने दिन आप जरूर करें। दूसरा है, साधक जब अपने संकल्प कर लेता है इतने दिनों का भी मैंने 90 दिन कम से कम ध्यान साधना करके या किसी मंत्र की सिद्धि करनी है 21 दिन में, 11 दिन में, वो उतने दिन का व्रत उपवास, इस तरह से कई चीजें लोग करते हैं, कई नवरात्रों का व्रत रख लेते हैं, तो कई और भी अपने उपवास रखते हैं, ये महीने हफ्ते में एक एक दिन का उपवास रखते हैं, तो ऐसे कर करके वो कुछ महीनों तक ऐसा करते हैं। तो लेकिन बीच में वो भी ध्यान इस तरह के जब वो करते हैं, लेकिन उसमें वो परहेज करना बंद कर देते हैं, पहले परहेज किया लेकिन बीच में जाकर छोड़ देते हैं, जैसे कई मांस का सेवन कर लेते हैं,
शराब का सेवन कर लेते हैं, लहसुन प्याज का सेवन कर लेते हैं। इन चीजों का जो उसमें निषेध था कि ये चीजें आप नहीं खा सकते, इन चीजों से, तामसी चीजों से दूर रहना है, लेकिन आप उन्हीं का सेवन कर लेते हो, खा लेते हो, तब ये शक्तियां आपसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि ये शक्तियां पवित्र होती हैं। तो जो पवित्र शक्तियां होती हैं वो गंदगी के पास नहीं जाती, बदबू के पास नहीं जाती और वो वापस चली जाती हैं। तीसरा है, जब वे जिसको भी आप मानते हो, गुरु को मानते हो, तो आप बार बार गुरुद्वारा में जाते हो, हफ्ते में जाते हो, डेली जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, या कहीं कीर्तन सुनने जाते हो, कहीं अपना भजन सुनने जाते हो, या किसी मंदिरों में आप कोई पर्टिकुलर एक मंदिर में बार बार जाते हो, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक तो आप जाते हो, लेकिन बाद में बीच में ही कभी आप छोड़ देते हो, तब ऐसी स्थिति में वो शक्तियां आपसे दूर चली जाती हैं। अब चौथा पॉइंट है, और कई व्यक्ति पूजा पाठ, ध्यान साधना, मंत्र जप करते हैं, लेकिन करते करते जब उन्हें कुछ महीने हो जाते हैं तो सोचते हैं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि उस समय से होना शुरू होना था जब आप उसे अंत करने लगे हो। तो वो बीच में ही सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने महीनों से कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, वो छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा कुछ कहानियों में, जैसे एक कुआं, एक साधु ने कहा कि यहां से पानी निकालना है, तो शिष्यों ने कुआं खोदना शुरू किया। कुआं खोदा, थोड़ी दूर खोदने के बाद जब पानी नहीं निकला तो उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, फिर पानी नहीं निकला। ऐसे करते करते उन्होंने 10 जगह खड्डे निकाल दिए लेकिन पानी नहीं निकला। तो उसके गुरु ने आया तो पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? कह रहे, गुरु जी, यहां से पानी निकला तो हम वहां चले गए, वहां से भी नहीं निकला तो हम अगले में चले गए, अगले में पानी नहीं निकला तो हमने अगला खड्डा खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, इस सभी की जगह एक ही खड्डा खोद देते तो अब तक पानी निकल आता। तो सभी शिष्य एक गड्ढे पे खोदना शुरू कर दिया जब तक पानी नहीं निकला, और खोदते गए और एक ही में वो पानी निकल गया। ऐसे ही आपने मेहनत करनी है, 3 महीने, 6 महीने, जब आपके कर्म बैलेंस हो जाएंगे, ऑटोमेटिक प्रारब्ध आपका बैलेंस हो जाएगा, फिर आपको दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। किसी को एक दिन लगता है, किसी को एक महीना लगता है, किसी को साल भी लग जाता है। तो इसलिए परेशान ना हो, कंटिन्यू करते रहें, मेडिटेशन को, ध्यान साधना को कंटिन्यू रखें। पांचवा पॉइंट है, कभी कभी हम ध्यान साधना, पूजा पाठ, मंत्र जप करते करते जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो हम, जब हमें कुछ प्राप्त नहीं होता तो हम कभी कभी गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं अपने उस देवी शक्ति के लिए। कभी कभी तो कई व्यक्ति अपने भगवान को गालियां तक निकाल देते हैं, कि कई बार तो क्या होता है, थोड़ा सा भी वो अपसेट होते हैं, थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, या पैसों की कमी हो जाती है, या नौकरी छूट जाती है, या एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाता है, तब ऐसी जो परिस्थितियां आती हैं तो वो मायूस होकर कहते हैं, है परमात्मा, है भगवान, तो है मेरे इष्ट, तुम मेरी मदद ही नहीं कर रहे हो, तुम मेरी सहायता ही नहीं कर रहे हो, और वो कहते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, तो भगवान रूठ कर उनके घर से चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हो, कोई आपके घर मेहमान आए और आप उसे गालियां निकालो तो क्या वो आपके घर रुकेगा? वो चला जाएगा और कभी आपके घर नहीं आएगा। इसी तरह आपके घर परमात्मा आए हैं, आप उनको गलत गलत बोल रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, जब वो अपना अपमान सुनते हैं तो वहां से तुरंत चले जाते हैं और कभी वास नहीं करते। तो इस तरह से अपने ईष्ट, अपने गुरु की कभी भी कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो हमेशा आपकी सहायता ही करते हैं। कोई बड़ा दुख होने वाला होता है तो वो छोटे दुख में गुजार देते हैं। कोई काम आपका नहीं बन रहा, मीन्स कोई रास्ते में रुकावट है, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जा रहा है बाहर। कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, वो छोटा सा होकर खत्म हो जाता है। इस तरह से वो आपकी सहायता करती हैं, ये शक्तियां कभी भी आपका नुकसान नहीं करती। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी आपको ठीक लगी, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें जरूर लिखें। जैसे ही हमें कुछ समय मिलता है तो हम उसके उत्तर आपको देते हैं। अगर किसी का उत्तर नहीं दे पाते तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, वो दोबारा हमें कमेंट कर दें या हमें ईमेल लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने व्यक्तियों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।